अगर आप ही प्रश्न कर रहे हो, आप ही उत्तर दे रहे हो, मैं और क्या बता रहा हूँ, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्यों है हिंदू के मंदिरों में और गुरुद्वारा साहिब में? ये इन मंत्रियों को नेताओं को अक्ल का, ये वो नेता हैं, ये वो सरकारें हैं जो पहले तो इनकी अक्ल कितनी है वो आप लोग विचार करें। ये समझता हूँ जो जातिवादी है वो देश का विरोधी है और जातिवाद के जहर से समाज में विष घोलने का काम कर रहा है, उस पर कानून का विरोध। बड़ी बड़ी उम्र के जो और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो सिख भाई हैं वो अपनी दाढ़ी से भी आपकी चप्पल साफ कर देंगे, इतनी सेवा करने के भाव कार्य में है क्या आप में? बताओ जरा, आप लोग सब बैठे हैं, अपने हिंदू समाज के अंदर सेवा की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के मंदिरों में तो जात देख कर जो मत्था टिकवाया जाता है वही एक आधे में है, ऐसा नहीं, कोई एक आधे में किसी ने कर दिया है तो वो दोषी है, उसके ऊपर हम लोग वर्मा जी के मंदिर में। अब ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या ये और जितने भी ढोंगी कर रहे हैं, आतंकवादियों के अड्डे कहाँ कहाँ हैं? देश के फौजियों के साथ जितने छलावा या आतंकवादी कर रहे हैं, क्यों नहीं ये देश के अंदर जितने तांत्रिक बैठे हैं देश की सरकार को बता पा रहे? दूसरी बात ये कि देश के अंदर आज आप भारत देश के ऊपर देखो तो कई हजार करोड़ रुपए का ऋण है, देश की जमीन में, अपनी भारत की जमीन में कितना धन, सोना चांदी खजाना छुपा पड़ा है, अपने पूर्वजों का निकल रहा है, कई चीज़ें निकलता भी है। तो ये इन लोगों को इतने बड़े शिवजी बने बैठे हैं ये लोग, तो अपने आँख बंद करके ध्यान लगा के बता दो भाई सरकार वहाँ खोज ले, वहाँ खजाना है, कम से कम देश का ऋण तो उतरे, कहीं देश के तो काम आ जाए। जब बात राष्ट्रवाद की आती है, जब बात देश के काम आने की आती है, तब एक में भी कोई देवी देवता नहीं आता, तब इनको एक को भी पूछा नहीं आती। इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो गई मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के पास, उन्हें पता ही नहीं चला। और अभी कितना कोरोना आया, जब भी एक ये पाखंडी ढोंगियों का इनके अंदर आने वाली शक्ति एक में भी नहीं आई, उस टाइम तो मंत्रियों को भी ताले लगा दिए गए। ये पाखंड हैं, ये लोग जो पाखंड कर रहे हैं, इन पाखंडियों के मुंह पर ताला लगना चाहिए। मंदिर हमारी आस्था का स्थान है, मंदिर हमारी समस्त सनातन संस्कृति का एक वो स्थान है जहाँ पर बैठकर हम ईश्वर स्तुति साधना उपासना कर सकते हैं। भगवान प्रकृति के कण कण में, मंदिर में भी वैसा ही है और तुम्हारे घर में भी वैसा ही, भगवान दू बात नहीं करता। मंदिर हम सब की एक आस्था का केंद्र, एक आस्था का स्थान है जहाँ पर बैठकर हम यज्ञ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, भाईचारे को एक कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख की पूछ सकते हैं, आपसी परस्पर किसी भी प्रकार से आपस में कोई अगर बोलचाल कहीं पर भी डिम हुई हो तो वहाँ मंदिर में अगर हम आपस में बार बार मिलें तो हमारा भाईचारा वहाँ बढ़ सकता है। तो ये हमारी एक सनातन आस्था के भी मानबिंदु के रूप में है। तो मंदिरों की जहाँ तक बात आती है, मंदिरों को मंदिर ही रहने दीजिए, लेकिन जो ये मंदिरों के नाम पर जो कथावाचक ढोंग कर रहे हैं, इनके मुंह पर जरूर सरकार को कड़वे कानून बनाकर ताले लगाने। सर, सरकार ने तो कानून बना रखा है, कोई ऐसा ढोंग करता है तो उसको पे कार्रवाई होती है, उस पर एक्ट लगाया जाता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री है उस वो इतने बड़े बड़े समागम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को कौन पकड़वाएगा, किसको किस चीज़ का संरक्षण है, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? खुद लोग ही, जनता ही संरक्षण दे रही है, सरकार नहीं संरक्षण दे रही। सरकार के पास आप जाइए, कानून के अंदर मुकदमा दर्ज करवाइए, किसी के कोई ऐसा कोई कांड हुआ है तो सरकार के कानून कोई गवाही नहीं देता इन लोगों के पास। गाँव में अभी पिछले दिनों में कितनी बड़ी घटना हुई है, आपने हमारे संसार क्रांति न्यूज चैनल पर देखा होगा, धर्मो पत्रकार ने वहाँ जा करके कितने अच्छे प्रश्न सवाल जवाब किए हैं उन लोगों से, वो हमारा ही चैनल है संसार क्रांति, आप लोग जरूर उसके ऊपर जाकर के देखिए। किस इसमें बास गांव में एक माँ ने ही अपने पूरे भरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और पुलिस कंप्लेन करते हैं तो कोई पुलिस सुनती नहीं है, तो पुलिस सुनेगी कैसे जब पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है या कोई मुकदमा ठोस रूप से कार्रवाई के रूप में कोई लेकर के नहीं जा रहा है? तो हम लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं, कितने तांत्रिक रोज पकड़े जा रहे हैं लेकिन कोई उनकी गवाही देने से सब डरते हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, डरते क्यों हैं, उनके पास गुंडे हैं जो बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो डरा रहे धमका रहे हैं ना, विद्या नहीं होने के कारण व्यक्ति डर जाता है, भूत प्रेत। लेकिन उनके जो समागम में तो बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं जी, विद्या है उनके पास, पढ़े लिखे वकील है, डॉक्टर, इंजीनियर, वो जाके वहाँ मत्था टेकते हैं, बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग मत्था टेक रहे हैं। तो ये बड़े बड़े तो आसाराम का भी टेक क्या करते हैं, ये बड़े बड़े तो रामपाल का भी टेक क्या करते हैं, फिर उनका क्या हुआ? इसीलिए तो समाज बरगलाया गया कि भाई समाज ये सोचता है कि भाई नेता मंत्री जिसका जाके मत्था टेकते हैं ना वो सही है, इन मंत्रियों को नेताओं को अक्ल कहाँ है? ये वो नेता हैं, ये वो सरकारें हैं जो पहले तो इनकी अक्ल कितनी है वो आप लोग विचार करें, ये वो सरकारें हैं जो पहले तो आपके गांव की और शहर की सड़कें पक्की करती है और थोड़े से दिन के बाद एक योजना लेके आती है कि उस सड़क को फाड़ के फिर बीच में सिविल लाइन दबाती है। अब देखिए इतनी अक्ल है इनमें, इन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं जिनका अक्ल घर की नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे से
सड़कें बनती हैं, थोड़े दिन के बाद तोड़ दी जाती हैं, फिर सिविल लाइन दबा दी जाती है। ये मूर्खता है। मैं समझता हूँ कि जनता को लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जनता को योगेश्वर राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और योगराज भगत सिंह, इन तो महाराज जी करना चाहिए, डोंगियों को नहीं। महाराज जी, अब तो इन लोगों को लेकर भी जो हमारे पूजनीय थे, इनको लेकर भी जात पात लेके जो लड़ाइयाँ देखने को मिली हरियाणा में, कुछ तुच्छ लोग हैं जो इस प्रकार के। महाराणा प्रताप एक कास्ट ने बना लिया, अम्बेडकर साहब को महापुरुष कर ली। महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं, देवी देवता भी सबके होते हैं। समाज का उत्कृष्ट व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, हम सब तो वो उस सनातन धर्म में जिन्होंने ऋषि वाल्मीकि को आज भी सिर पर बिठा रखा है और हमेशा रखेंगे। ऋषि वाल्मीकि के साथ ऋषि योगराज, रैदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, इनका इतिहास आप लोग देखिए। हमने तो इनको भी पूजने का काम किया है। हम लोग कोई जातिवादी लोग नहीं है। मैं ये समझता हूँ जो जातिवादी है वो देश का विरोधी है और जातिवाद के जहर से समाज में विष घोलने का काम कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है जी, जनता से हम मिलते हैं जुलते हैं, बैठ के विचार की बात होती है, उनका कहना यही है कि चाहे फिर वो रेड क्रॉस की सिख के जो लोग होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, या फिर गुरुद्वारा लंगर होते हैं, वही पहुँच पाता है। हिंदू मंदिरों में इतना पैसा आता है, वो कभी भी नहीं पहुंच पाता है। चाहे अब फिलहाल में जो आपदा आई थी, वहाँ पर सारे सिख संगठन लोग थे। हिंदू सनातन संस्कृति के जितने मठ मंदिर हैं, जो बड़े बड़े हैं, जैसे आप तिरुपति बालाजी देखिए, ये कुछ मंदिर ऐसे हैं जो लाखों की संख्या में, जिनके जिनमें करोड़ों का धन आता है, वो सरकार के अंडर में है। लेकिन बड़ी बड़ी मस्जिदें एक भी सरकार के अंडर में नहीं है। उनका मस्जिदों का पैसा मुसलमान मदरसों के द्वारा आतंक फैलाने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं और लिया है पीछे। यूपी के अंदर मिनी पाकिस्तान जैसा माहौल इन लोगों ने खड़ा किया, वहाँ सब चुप थे। और कुछ आपने लोकल मंदिरों में जाकर देखो, कबूतर बोल रहे हो, क्या चढ़ावा दे रहे हो बताओ, मंदिरों को कितना चढ़ावा दे रहे हो। गुरुद्वारों के अंदर जिन कमेटियों के माध्यम से जाकर के जनता के बीच में जो सेवा की जा रही है, वहाँ पर गुरुद्वारों के अंदर बुजुर्ग, बड़ी बड़ी उम्र के जो और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो सिख भाई हैं, वो अपनी दाढ़ी से भी आपकी चप्पल साफ कर देंगे, इतनी सेवा करने के भाव अतार में है क्या आप में? बताओ जरा, आप लोग सब बैठे हैं, अपने हिंदू समाज के अंदर सेवा की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के मंदिरों में तो जात देख के जो मत्था टिकवाया जाता है। कोई एक आधे में है ऐसा नहीं, कोई एक आधे में किसी ने कर दिया है तो वो दोषी है, उसके ऊपर हम लोग वर्मा जी के मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं घुसने दिया। खैर, उस पर आप लोग एक आधा है ना, तो हम उसकी विभत्स घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो। रोहतक के पास एक गांव का किराना गांव, उसमें जो इतना बड़ा विवाद हुआ, तो ये दो या तीन ही गांवों की वजह से सारी सनातन संस्कृति टारगेट और निशाने पर नहीं, बाहर लिख दिया जाता है, दिल्ली पर कुत्तों का आना बना है। सुनो, वो कहीं ना कहीं आपसी रोष और आपसी एक दूसरे के प्रति तानाकशी के माहौल के अंदर इस प्रकार की घटना 1-2% ही हुई है। मंदिर में एक पंखा लगा दिया जाता है, लिख दिया जाता है ये फलाना फलाना बाप का बेटा का, उसने दान किया, लेकिन गुरुद्वारा साहिब में कहीं पे भी नहीं लिखा चाहे कितना करोड़ रुपये उसमें दान। फिर आप ही प्रश्न कर रहे हो, आप ही उत्तर दे रहे हो। हिंदू के मंदिरों में और गुरुद्वारा साहिब, मैं ये कह रहा हूँ गुरुद्वारों के अंदर सिख भाई ज्यादा से ज्यादा अपना हर प्रकार का योगदान देते हैं और जब सेवा की जरूरत आती है तो सिख कौम खुद उठ करके लगती है। यहाँ वेदपाठी रहने वाले हैं ना जो गुरुद्वारे में, वो वेदपाठियों को नौबत नहीं आती वहाँ जाने की, बल्कि जो जनता उनके जो फॉलोवर है वो ही जा रहे हैं। तो सनातन हिंदू मंदिरों के जो फॉलोवर ये जो जनता है, जनता को संभालना चाहिए। हम तो फिर भी मेरी तरफ से कोथ मठ की ओर से जो भी आपदा आती है, जो भी समस्या आती है, जो भी जनता के लिए काम होती है, हर बार खड़े होते हैं। लेकिन मेरे अकेले की बात नहीं करूँगा, मैं तो सार्वजनिक समाज की बात करूँगा जो पारितोषिकता के रूप में सबको खड़ा होना चाहिए। समस्या आए, विपत्ति आए, तो विपत्ति काल के दौरान मठ मंदिरों वाले साधु संन्यासियों को खड़ा होना चाहिए। हम भी होते हैं, हर बार होते हैं और सार्वजनिक मंच पर होते हैं, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, पाखंड और नशाखोरी के विरुद्ध हम लोग खड़े होते हैं। जब जहाँ आवश्यकता समाज में पड़ती है वहाँ हम चंदा देने के लिए भी खड़े होते हैं। हम कभी भी जाके ऐसे हाथ फैला करके खड़े नहीं होते, बल्कि हम देने की औकात रखते हैं और देने के लिए ही खड़े रहते हैं। रही बात मंदिर की, अपने हरियाणा के अंदर कितने मंदिरों के अंदर जनता, आप जाकर के देखिए कुत्ते मूत रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जाके देखिए सारा कमी तुम्हारे अंदर है, आम जनता के अंदर कमी है। कि आम जनता के लोग जाकर के क्यों नहीं खड़े होते वहाँ? केवल और केवल दो आदमियों की जिम्मेदारी थोड़ी ना, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिस प्रकार हर आदमी सिख कौम का अपनी जिम्मेदारी उठाए खड़ा है, सिख समाज में कोई IPS, IAS, MBBS, GMS, PhD, एम फिल या डिलीट तक का भी अगर कोई हो, वो
कोई अभिमान नहीं रखता, बल्कि अपने गुरुद्वारों में जाके सेवा करता है। और हमारे यहाँ तो गाँव का कोई सरपंच भी बन जाता है सामान्य वर्ग में, तो वो अपने आप को चौधरी समझता और अकड़ के चलता है। सिख भाइयों में ऐसा नहीं है, उनकी बराबरी करते हो तो आम समाज के अंदर आप लोगों को एक जागरूकता की ओर फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आम जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का अधिकारों के साथ उन व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों के कर्तव्यपरायणता के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है जो वो सिख भाई दे रहे हैं।